ये इंग्लिश ब्लू का बना हुआ है, ये अच्छा बेल्ट है, ये ओरिजिनल बेल्ट है बीएस का। एक ये ग्रेनिकल्स में देखो, एक ये आगे, ये नॉर्मल बना हुआ है लकड़ी पे, बिल्कुल नॉर्मल लकड़ी बना हुआ है, ये 2000 रुपये की रेंज। एचएस का बैट आ गया, एचएस के पैड्स होते हैं हमारे पास, ग्लव्स वगैरह सब मिल जाते हैं बच्चों के साइज के। ये हमारा अपना बना हुआ बैट है, ये हमने सेलकोट से बनवाया था, ये भी इंग्लिश विलो पे बना हुआ है टॉन का हमारे पास, ये भी हमारा अपना बैट बना हुआ। कोका पूरा का बैट है, ये भी मतलब नॉर्मल रेंज में, मगर ये कि ये आपको हम देंगे 4500। ऐसा वेट होता है वो मिल जाता है, वेट का मसला नहीं है, जो नहीं भी होता है वेट तो हम बैलेंस करवा देते हैं। इसमें कुछ हमारे पास इसमें हर वैरायटी है, अगर ज़्यादा कोई आते हैं भारी वेट में चाहिए तो उनको उनके वेट में मिल जाता है, कोई कम वेट के मांगते तो उस पर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल माय सेल्फ सिकंदर उमर। आज मैं फिर एक स्पोर्ट्स की दुकान पे आया हूँ, और ये काफ़ी बड़ी दुकान है, मैं तो देख के हैरान रह गया, बहुत सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है, और लेकिन मैं इस वक्त आई एम अनेबल टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स, लेकिन दूसरी बार जब मैं आऊँगा तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। आज हम लोग सिर्फ ना स्पेसिफिकली हार्ड बॉल के ऊपर ये वीडियो बनाएंगे। तो अपने साथ मौजूद हैं आज अजहर भाई। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर, आप माइक लगा लें, मैं आपके तरफ कैमरा कर रहा हूँ। नॉर्मल रबड़ कॉक से खेला जाता है, ठीक है ठीक है, ये हमारे पास उसका बैट है नॉर्मल 1500 का, जहाँ नॉर्मल रबड़ कॉक की प्रैक्टिस वगैरह के लिए बच्चों के जो नया अकेडमी में ये MRF का एक बैट आ गया हमारे पास, ये भी बच्चों का, ये हार्ड बॉल का, ये नॉर्मल लकड़ी पे, सही है। ओरिजिनल MRF है? नहीं नहीं, ओरिजिनल MRF नहीं है, नॉर्मल बच्चों के मतलब प्रैक्टिस के लिए, नेट प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए गुजारे लायक है। तो कितने चलने की प्राइस होगी इनके? तो ये वाला बैट हमारा तकरीबन आपको 2500-3000 की रेंज में मिल जाएगा हमारे, ठीक है 3000 तक की। हाँ, उसके ऊपर रहेंगे तो ये न्यू बैलेंस आ गया, न्यू बैलेंस में मिल जाएगा। ये सारी वैरायटियाँ जो सेम होती है, मतलब कोई बोलता है न्यू बैलेंस दे दो, कोई MRF दे दो, तो ये तकरीबन वही 2000-3000 की रेंज के आते हैं। तो हमारे पास एक हमारा अपना HS का बैट आ गया, HS स्पार्क, ये अच्छा बल्ला है, ये इंग्लिश ब्लू का बैट है, तो ये अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। इसका वेट भी जो वेट मांगेंगे उस वेट में मिल जाता है हमारे पास, 2.6-2.4, और उससे जो है वेट में कुछ हमारे पास इसमें हर वैरायटी है, अगर ज़्यादा कोई आते हैं भारी वेट में चाहिए तो उनको उनके वेट में मिल जाता है, कोई कम वेट के मांगते तो उस वेट में। इनका वेट क्या है? अच्छा, ये 2.6 का वेट है, इससे कम में भी मिल जाता है और इससे ज़्यादा में भी है हमारे। प्राइस क्या बताइए? प्राइस इसके हैं 7500 रुपये इंग्लिश विलो पर, और इस बल्ले की वारंटी देता हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ना बल्ला टूटता ना इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये कि स्टॉक वगैरह जो खेलते हैं तो लाजमी सी बात है, वो बनाना पड़ता है, मगर ये हमारा अच्छा बैट है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक आपको ये वैरायटी मिल जाएगी। सबसे पहले सर नंबर अपना बता दें तो मेंशन कर। अच्छा, मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 03147060141। अच्छा, कोई अजहर शेख मेरा नाम है। कोई वेबसाइट वगैरह? गूगल पे हमारी वेबसाइट डली हुई है, तनवीर स्पोर्ट्स जो भी डालेंगे तो उसमें मैप का सारी लोकेशन आती आ जाएगी। सबसे ऑर्डर के बैट बने हुए इंग्लिश विलो पे बने हुए, और ये बच्चों के साइज के, ये हमारा अपना बना हुआ बैट है, ये हमने सेलकोट से बनवाया था, और ये अच्छी लकड़ी पे, ये इंग्लिश विलो पे ही बना हुआ है, और क्वालिटी चीज़ अच्छी है। तो ये बैट हमारा आपको पड़ेगा 8500। साढ़े आठ हज़ार जी। ये आइए इसमें वैरायटी, इसमें अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा ये भी हमारा अपना बना हुआ बैट है, मतलब ऑर्डर पे प्लेन बस बैट बना रहा, क्योंकि अक्सर कस्टमर ऐसे आते हैं कि भाई हमें स्टिकर दूसरा लगा चाहिए, तो उनके लिए हम प्लेन भी रखते हैं कि जो जैसा कस्टमर, जो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से वो कर। ये भी हमारा इंग्लिश विलो का बना हुआ अच्छा बैट है, तो ये तकरीबन हम 10-12000 रुपये की रेंज का बैट है, 10-12000 की रेंज में, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं तो और ऊपर जा रहे हैं, आती रहती है, ये BS आ गया हमारे पास। हाँ, BS का मैंने सुना है ब्रांड, RX 919 फिर कोड होता है बल्ले का, कोड नंबर भी होते हैं कुछ। ये BS का ओरिजिनल है जी, ये BS का ये कोड है RX 919, ये इंग्लिश ब्लू का बना हुआ है, ये अच्छा बैट है, ये ओरिजिनल बैट है BS का, तो ये समझ लें कि ये पड़ता है तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये का बैट। ये ग्रीन्स वगैरह कुछ कहते हैं ये? हाँ, ये बना हुआ ना, एट ग्रीन्स पे बना हुआ है, एट ग्रीन्स पे बना हुआ, ठीक है। वेट क्या रहेगा इनका? वेट इसका 2.4, 2.5, 2.6, जैसा वेट होता है वो मिल जाता है, वेट का मसला नहीं है, जो नहीं भी होता है वेट तो हम बैलेंस करवा देते हैं। प्राइस क्या बताइए आपने? ये पड़ेगा 17-18 हज़ार रुपये की रेंज में, हम इंशाल्लाह ये आपको दे देते हैं बैट, कोई भी आपका कोई ऐसा कस्टमर आता है तो उसको हम इस रेट पर दे देंगे। अच्छा, BS का हमारे पास एक और चीज़ मिल जाएगी, आजकल असल में माल भी आपको पता है ज़्यादा शॉर्ट चल रहे हैं, तो अच्छा इसमें आपको एक चीज़ ये मिल जाएगी 808, ये भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा BS का, ये भी BS 18.5 जी जी। अच्छा, इससे कम रेट वाले भी होंगे? BS में भी मिल जाएंगे, इसमें जो कम में है वो भी मिल जाएंगे। इस वक्त मैंने आपको बताया, इस वक्त थोड़ा सा माल हमारे पास शॉर्ट, हमारे पास क्या तकरीबन जगह पे हार्ड शॉर्ट है, शॉर्ट है, आपको भी पता ही होगा भाई, जो है वो गनीमत समझ के लेके जाए। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको ग्राउंड में खेलना है तो BS के पैड्स होते हैं हमारे पास, ग्लव्स वगैरह सब मिल जाते हैं, मगर इस वक्त माल जो है इतना शॉर्ट हुआ और महंगा हुआ है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हफ्ता 10-15 दिन लगेंगे,
यानी आप ऑर्डर कर लें आपको वो माल मिल जाएगा फिलहाल। और दो तीन और ऐसे अच्छे बेड सी दिखा दें जो अभी आपने दिखाए थे हमने। अच्छा इसमें तो सारी वैरायटी यही है, बाकी सब लगे हुए हैं। ये देखिए न्यू बैलेंस का बैड रखा हुआ है, ये नॉर्मल बैड कहलाते हैं जो मैंने आपको MRF दिखाया, ये सब न्यू बैलेंस। ग्रेनिकल्स का दिखा देना। अच्छा ग्रेनिकल्स दिखा दो। एक ये ग्रेनिकल्स में देखो ये एक ये आ गई, ये नॉर्मल बना हुआ लकड़ी पे, बिल्कुल नॉर्मल लकड़ी बना हुआ, ये 2000 रुपये की रेंज। वेट क्या होगा इसका? इसका वेट देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा ही होगा। मतलब ये कोई वो नहीं प्रोफेशनल खेलने के नहीं, ये लोकल बैट समझ लेंगे, लोकल बैट है। स्टिकर आप जो दिल चाहे बल्ले पे लगा दें। प्राइस क्या है? ये पड़ेगा तकरीबन 2000 रुपये की रेंज, 1800-1700 की रेंज में देते हैं। एक ग्रेनिकल ये आ गया, ये भी इंग्लिश विलो पे बना हुआ, ये भी अच्छा बैट है। ये है तकरीबन 5 से 5500 रुपये का, 5500। ये है इंग्लिश विलो पे ही बना हुआ है बैट, अच्छा है ये भी। ऐसा नहीं है कि बैट बिल्कुल फारिक है। और दूसरी बात ये कि इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, मगर ये बैलेंस कर देते हैं हम, वेट वगैरह का कोई मसला नहीं, वेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है चलो, टोन वो दिखा देते हैं। ये टोन का आइडिया, ये भी इंग्लिश विलो पे बना हुआ है टोन का, हमारे पास ये भी हमारा अपना बैट बना हुआ है। साइज का तो कोई इशू नहीं होगा? असल में मसला ये है कि भाई बात सारी होती है कि प्लेन बेड पर आप स्टिकर जो बना देंगे वो उसकी कंपनी का हो जाएगा, तो ये टॉन का स्टिकर लगा हुआ तो है तो इंग्लिश विलो का ही, और बनवाया हमने अपने सियालकोट से अपने ऑर्डर पे, तो स्टिकर हर कंपनी के चलते हैं आपको पता है। तो इनकी क्या प्राइस रह जाएगी? ये वाला जी आपको पड़ेगा तकरीबन 8500। 8500 का कोकोबड़ा का बता दें, मेरे पास भी है कोकोबड़ा का, ब्लू वाला रखा हुआ है, ये ग्रीन वाला होता है अक्सर तो। हाँ ये लास्ट में ये कोकापुरा का बैट है, ये भी मतलब नॉर्मल रेंज में, मगर ये कि ये आपको हम देंगे 4500 जी। इसका वेट वगैरह मतलब वैरायटी साइज में, इसका वेट अच्छा है, इसका वेट 2.56 आ रहा है इसका वेट 4500 तक के। यार से ये बेस्ट रहेगा। सीए वगैरह नहीं है आपके पास? सीए वगैरह इस वक्त नहीं है, सीए के ब्रांड मतलब माल शॉर्ट है, लेकिन माल आने का आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको सब मिलेगा। बाकी ग्लव्स वगैरह सब कुछ आपके पास मिल जाएगा? ग्लव्स इस वक्त मेरे पास वैरायटी कम रखी हुई है, जो नॉर्मल चलने वाले हैं, मतलब ऐसा है कि नॉर्मल प्रैक्टिस वगैरह वो है, बाकी अच्छे ब्रांड के जो है वो इंशाल्लाह आ जाएंगे आप वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। पैट वगैरह भी मिल जाएंगे मेरे पास सब, मगर इस वक्त खत्म हो गया। शूज वगैरह भी सारे शूज वगैरह भी मिल जाएंगे, वो भी सब शूज तो है मेरे पास कुछ, और कुछ और माल आएगा तो इंशाल्लाह वो भी समझ। ठीक है सर, मैं हम आपका नंबर मेंशन कर देते हैं, और जिस भी भाई को कांटेक्ट करना हो मैसेज करके करना यार, कॉल ना करना, डिस्टर्ब ना करना किसी को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।